इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, धर्म को धारण करना है, जानना है कि क्या करना है, किससे बचना है। आप देखिए बाबा ने कहा, ऐसा सुने देवी अधम, ऐसा कहे अधम। माँ ने कहा बाबा क्षमा करेंगे, हमने जो प्रश्न किया उसका उत्तर कि निर्गुण भगवान सगुण क्यों हुआ। बाबा बोले यही तो बात है, अरे न निर्गुण न सगुण दोनों एक ही है। आप कहेंगे दोनों एक ही कैसे है? बाबा कहते हैं देवी, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेला, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेला, गावे ही मोने पुराण बोध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोड़ी, अगुण अरूप अलख अज जोड़ी, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम ने कहा अगुण ही सगुण ही नहीं कछु, गावहि मुनि पुराण बोध बे, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस देवी जो निर्गुण है
वही सगुण है। कैसे? जैसे जल और बर्फ में अंतर है, निर्गुण जल है और सगुण बर्फ है। होता कैसे है? भगत प्रेम बस, भगवान देख प्रीत सुन बचन अमोले, मनु जी को एव मस्तु करुणा निधि। दर्शन करिए, जैसा कि बाबा ने बताया, मां ने पूछा, बाबा आपने जो सुनाया प्रभु का वास्तविक स्वरूप क्या है? बोले नाथ, बोले देवी, आज तक कोई पता लगा पाया नहीं। क्यों? अरे भाई, जिसकी सीमा हो उसका स्वरूप हो, ये तो असीम है। था हो उसका नाप किया जाए, ये तो अथाह है। चौपाई सबको कंठस्थ है, पर आरोप आता है, आप बाबा बोलते तो हैं लेकिन हमको तो समझ में नहीं आता है। नए जगह पर जाके हम पहले दिन कहते हैं आपको 2-3 साल लगेगा, क्योंकि सीधी सीधी कथा है, एकदम सीधी जैसी लिखी वैसी सुनाता हूँ। बुद्धि का काम नहीं है, हृदय का काम है, परंतु आपके सुनने की जो श्रद्धा है उसको हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत आपका आदर है, बहुत आदर है, अभिनंदन है आपका। आ क्यों नहीं अभिनंदन हो? हमारे घर के लोग ऐसी श्रद्धा से सुनेंगे तो हमारी भी गरिमा बढ़ेगी, हमारा विवाह बढ़ेगा। हम तो बहुत सोच रहे थे कैसे सुनाऊंगा, क्या सुनाऊंगा। जहां प्रतिवर्ष सुनाता हूं मैं, वहां तो सहज रहता है, परंतु आपके साथ थोड़ी कठिनाई, लेकिन आज कठिनाई जल्दी समाप्त हो गई। मुझे बहुत आनंद आया, बाबा ने कहा, मां ने समझ लिया। अब मां का तीसरा प्रश्न, प्रश्न के अंदर प्रश्न, अवतार भगवान कब लेते हैं? बाबा बोले, सुन शुभ कथा भवान, रामचरित मानस विमल कहा भुसुंडी बखान, सुना विहग नायक। हे भवानी जी, वह कथा सुनिए जो काकभुसुंडी जी ने सुनाई है और गरुड़ जी ने सुनी। उनका संवाद कैसे हुआ ये तो आगे कहूंगा। सो संवाद उदा जेहि विधि भाय आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी का संवाद जैसे हुआ वो आगे कहूंगा, अब राम जी का कैसे अवतार हुआ इसको सुन लो। दावा ने बड़ा सुंदर तर्क दिया, अवतार कब होता है? जब जब हो धर्म कहे हानी, जब जब हो धर्म कहे हानी, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ नहीं अनिति जाए नहीं पर
प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन मीरा, संतन छोड़े संत ही चाहे कोटिक मिले असंत, मलय भुवंग ही बेधिया शीतलता नतजंत। संत को अपनी सज्जनता शालीनता कदापि नहीं त्यागनी चाहिए। कई बार सज्जनों को भी पारिस्थितिकी आवेश आ जाता है, परिस्थिति बस, तथा सज्जनता का त्याग नहीं करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान दूर जनता की पीड़ा हरण करने नहीं आते। तब तब प्रभु धरि आहरहि कृपा निधि सज्जन कौन? भक्तराज विभीषण। हिंदी साहित्य ने बड़ा खराब किया विभीषण को, मुहावरा ही बना दिया है। वो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तो साहित्य के जानकार लोग भक्त होते हैं। साहित्यकार यदि भक्त है तो किसी भी भक्त में उन्हें दुर्गुण दर्शन नहीं होगा, दोष दर्शन नहीं होगा। इधर के साहित्यकारों ने क्या क्या लिखा, मैं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।